भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों और विधायकों के लिए तय की गई उम्र की बंदिश को तोड़ते हुए वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़ा कर सकती है। बंगला अखबार आनंद बाजार पत्रिका ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आडवाणी अगला लोकसभा चुनाव भी लड़े। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी जैसे दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी पार्टी आगामी चुनाव में उतार सकती है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाल ही में पीएम मोदी ने 90 वर्षीय आडवाणी से दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की। वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी यह प्रस्ताव लेकर उनके पास आए थे। आडवाणी ने पिछले लोकसभा चुनाव में गुजरात की गांधीनगर सीट से जीत दर्ज की थी, हालांकि उसके बाद वह पार्टी में हाशिए पर ही हैं। आडवाणी और जोशी को बीजेपी संसदीय बोर्ड में भी जगह नहीं दी गई। दोनों नेताओं को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, जिसमें उनके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल हैं। ऐसे में बुजुर्ग हो चुके नेताओं को लेकर बीजेपी की रणनीति के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की उम्र की जगह उनकी जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। पिछले महीने संपन्न हुए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने सीएम बीएस येदियुरप्पा के लिए उम्र की बंदिश में ढील दी थी। यह ताजा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब एनडीए के कुछ सहयोगी बीजेपी से नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जहां एनडीए से अलग हो गई है, वहीं शिवसेना और जदयू भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उधर बीजेपी विरोधी दल राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की कोशिशें तेज करते दिख रहे हैं। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।